हे गाइस वेलकम टू द बेब्लेड चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले फेंगलोन, वो भी बिना मोड चेंज वाला, क्योंकि दोस्तों मोड चेंज वाला फेंगलोन बनाने के लिए चाहिए मुझे ड्रिल मशीन और वेल्डिंग मशीन, जो कि मेरे पास नहीं है और ना ही मैं खरीद सकता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि इस बार मैं हेजब्रो वाला फेंगलोन बनाता हूँ जो कि मोड चेंज नहीं होता है। और दोस्तों मुझे मोड चेंज वाले बेब्लेड्स कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसके जो सारे पार्ट्स होते हैं वो एनर्जी रिंग के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अगर गाइस ज़्यादा जोर से टक्कर हुए तो एनर्जी रिंग टूट जाती है और उसके बाद सारे पार्ट्स अलग हो जाते हैं। और गाइस मैंने जो कॉस्मिक पैकेजेस खरीदा था उसके साथ वैसा ही हुआ, हमारे होममेड बेब्लेड्स ने टक्कर मारी और इंजीनियरिंग टूटने की वजह सारे पार्ट्स अलग हो गए। और गाइस इसकी जगह पर मैं होता तो मैं बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनाता, और किसी दिन मुझे टक्कर एटॉमिक की तरफ से बेब्लेड डिज़ाइन करने का मौका मिला तो मैं बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाऊंगा। पर दोस्तों फिलहाल के लिए हम फेंगलोन बनाना शुरू करते हैं। Thank you.
बेंगलुरु के अंदर मैंने काफ़ी सारे कट्स किए जिस वजह से इसका वेट काफ़ी हल्का हो गया है, इसलिए मुझे इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा वेट ऐड करने पड़ेंगे। और दोस्तों रोकलैंड के अंदर मैंने बहुत ही कम कट्स लगाए जिस वजह से वो ज़्यादा हल्का नहीं हुआ, पर फेंगलुरु के अंदर काफ़ी सारे कट्स लगे तो काफ़ी हल्का हो गया। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे फेंगलुरु के अंदर कुछ वेट ऐड करने पड़ेंगे। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वेट करते हैं रोकलियन का 64। अब बारी फेंगलियन के, तो ये है 66 ग्राम, 66 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम ज़्यादा है, यानी कि ये थोड़ा सा हेवी तो काफ़ी सही है, ज़्यादा वेट भी नहीं है तो काफ़ी बैलेंस है। तो चल दोस्तों अब इसका स्पिन टेस्ट भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी टिप को मैंने थोड़ा सा घिस दिया क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि ये स्टेमिना टाइप बन जाए। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से बना है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बैलेंस है, एकदम स्मूथली घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है घूमने में से। और दोस्तों इस फेंगलियन को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों नोटिफिकेशन को बटन को ऑन जरूर कर देना। तो चल दोस्तों मिलते करो नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ओहो, और काफ़ी अच्छा टेक, काफ़ी अच्छा टेक। ओहो, बोल दो, ये।